मुश्किलों ये है भी पहला मेरे बच्चे की लत टुट गई, फिर मेरे घर वाले की लक च सट लग गई, तो फिर साढ़े कमरा डेपिया तो साड़ी किसी ने मदद नहीं की, मतलब मैंबर सरपंच ने बहुत मुश्किल जी की गल वा। वीडियो दफ्तर भी गए हैं, तीन चार बार अं एक बार गुरदासपुर भी गए हैं कि साड़ी सुनाओ तो अजे नहीं हुई, तो वेख लो हालात घर दे, इस तरह ही सियाल लंघे इस तरह ही गर्मियां लंघियां, कई बार बेहतर भेजन दे आटा भी भेजन दा। अं पिंड च मतलब साड़िया फोटो सारे ने वीडियो बना बना खड़ी है, सानू किसी ने कुछ नहीं दवाया। हाँ जी सियाल भी इदा दरबार थले लंघ गया, तो हूँ भी वेख लो ढे सामने ही है जो कुछ वा। हाँ जी हाँ जी वह भी इदा भेजन डे, तो पढ़ाई इदा करते मीह वरदे जी। नाथपुर ते जसवीर मुश्किलों ये है भी पहला मेरे बच्चे की लत टुट गई, फिर मेरे घर वाले की लक च सट लग गई, तो फिर साढ़े कमरा डेपिया तो साड़ी किसी ने मदद नहीं की, मतलब मैंबर सरपंच ने। हाँ जी तो अं पिंड च मतलब साड़िया फोटो सारे ने वीडियो बना बना खड़ी है, सानू किसी ने कुछ नहीं दवाया। हाँ जी सियाल भी इदा दरबार थले लंघ गया, तो हूँ भी वेख लो ढे सामने ही है जो कुछ वा। हाँ जी हाँ जी वह भी इदा भेजन डे, तो पढ़ाई इदा करते मीह वरदे जी। अं सरकार को यो भी जो भी मतलब भी सू कमरा पा के देन इदा ग्रांट कोई भी। बहुत मुश्किल जी की गल वा। वीडियो दफ्तर भी गए हैं, तीन चार बार अं एक बार गुरदासपुर भी गए हैं कि साड़ी सुनाओ तो अजे नहीं हुई, तो वेख लो हालात घर दे, इस तरह ही सियाल लंघे इस तरह ही गर्मियां लंघियां, कई बार बेहतर भेजन दे आटा भी भेजन दा, तो बहुत ही गरीबनी मंग यो करने भी इन्हों के कुले तो छत पैनी चाहिए। ये मसला देखो जी, ये परिवार आ बलदेव सिंह का, ये पिंड आ नाथपुर, बलदेव सिंह का परिवार आ, ये पिछले दो तीन साल तो इवें ही जिंदगी बसर कर रहा, सियासी पार्टियां ने इन्हों हरेक पार्टी ने लारा लाया भी असी तुहाडा मकान बना के देवांगे वोटां तो पहले, सारियां सियासी पार्टियां इन्हां दे घरां च आईयां भी सानू वोटां पाओ असी तुहाडा मकान बना के देवांगे, पर किसी ने भी इन्हां दे मकान की सार नहीं लई। पिछे जे असी वीडियो दफ्तर इस संबंध च मिले भी सी तां बकायदा मीडिया च भी ये गल आई सी भी भाई ये पूरा परिवार जिहड़ा दसंबर जनवरी की जिहड़ी ठंड हुंदी आ उस ठंड के दौरान भी यह तरपाल हेठां जिंदगी जिहड़ी आ इस परिवार ने बसर की, जिहड़ी कि बहुत एक दुखदाई गल आ। पर अज जे असी गल करदे आ आम आदमी पार्टी की सत्ता च आया होयां नूं डेढ़ साल दे तकरीबन हो चलिया, पर इस आम आदमी पार्टी ने भी इस परिवार की कितें सार नहीं लई, उच्च अधिकारियों के ध्यान च होण दे बावजूद भी ये परिवार अज जिहड़ा ये जिंदगी दुख भरी जिहड़ी आ बसर कर रहा। तो मैं इत्थे एक फोटो देखी आ शहीद आजम शहीद भगत सिंह की, जिहड़ी कि फोटो देख के सानू बहुत दुख लग्या भी शहीद आजम शहीद भगत सिंह का यह सुपना नहीं सी भी जिहो जे घर के अज आ हालात आ, देश की आजादी के विच जिन्हां ने योगदान पाया अज उन्हां दी तस्वीर किवें जिहड़ियां भी मीह च भिज रही शरेआम। सो ये किते ना किते साडे शहीदां दा भी जिहड़ा अपमान आ जिहड़ा कि सरकारां करवा रही, जबकि इन्हां दे दिलां दे विच किन्नी चाहत उस शहीद आजम शहीद भगत सिंह की फोटो इन्हां दे घर मौजूद आ। पिछले लंबे समय तो असी उच्च अधिकारियों के ध्यान च भी लिया, जिमें कि वीडियो साहब के ध्यान च भी है परिवार का मामला, अपने तहसीलदार साहब बटाला उन्होंने भी आप मंग पत्र दिता इस संबंध च भी इस परिवार की सार लई जाए, तो इन्हों मकान बनाने लई जिहड़ी आ प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रांट दिती जाए। डीसी साहब नूं भी आपां जिहड़ा भी एक लिखती मंग पत्र दिता भी साडे इलाके दे विच कुछ बहुत सारे परिवार आ जिहड़े इहो जिहे घरां दे हालातां दौरान रहिंदे आ भी जिन्हां दीआं सत्तां डिग चुकियां उन्हां दे घरां दी जगह बहुत थोड़ी आ, तां उन्हां दे मसले आ फौरी हल कीते जाण, पर किते ना किते प्रशासन जिहड़ा उह मजदूरां नूं अखों परोख्या कर रिहा। जे असीं गल करदे आ मुख्यमंत्री नाल मीटिंगां होण दे बावजूद भी मुख्यमंत्री ने एक भी मीटिंग मजदूरों नाल नहीं की, हरपाल चीमे ने की, तो उन्होंने कहा भी जिहड़े तुहाडे मसले आ फौरी हल किए जाणगे, पर अज तक साडे जिहड़े मसले आ चाहे वह पिंडां च पंचायती जमीन का चाहे प्लाटां का चाहे नरेगा का
ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਆ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ NRI ਭਰਾ ਵਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਜੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਇਹੀ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਜੋਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੁਖਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਨੌਕਰੀ, ਸੌਤਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ 21 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।